गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ESCC यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लेक्चर थर्ड पढ़ाने जा रहे हैं, लेक्चर नंबर थर्ड। जो लेक्चर नंबर वन और टू पढ़ा चुके हैं, 11th क्लास के मैथ का सिलेबस पढ़ा रहे हैं, और इसमें लेक्चर नंबर टू तक बता दिए हैं लेक्चर वन और लेक्चर टू में। आज लेक्चर थर्ड हम बताने जा रहे हैं, ठीक है। और जो लोग लेक्चर वन और लेक्चर टू नहीं देखे होंगे, उन लोग लेक्चर वन लेक्चर टू देख लेंगे, तब ये लेक्चर थ्री हम लोग का समझ में आया। ओके, तो चलते हैं। आज बताए थे कल कि समुच्चय लिखने की दो विधियां होती हैं। पहला होता है रोस्टर रूप, जिसको सारणीबद्ध रूप भी बोलते हैं, और दूसरा होता है समुच्चय निर्माण रूप, ठीक है। तो रोस्टर रूप में क्या होता था, पहले समझ लिया जाए कि रोस्टर रूप का मतलब यही होता है कि समुच्चय के किसी भी अवयव को एक मंझोला कोष्टक के अंदर कॉमा दे देकर, उसी को अर्धविराम बोलते हैं, ठीक है। कॉमा दे देकर लिखते हैं और बोलेंगे कि वो समुच्चय निर्माण रूप है, ठीक है। रोस्टर रूप है या सारणीबद्ध रूप है, ओके। लेकिन अब समुच्चय निर्माण रूप कहता है कि इस विधि में, समुच्चय निर्माण की इस विधि में किसी समुच्चय के सभी अवयव में एक सर्वनिष्ठ गुणधर्म होता है। सर्वनिष्ठ का मतलब होता है कि कुछ उसमें रिलेशन होगा। सर्वनिष्ठ का मतलब दोनों में कॉमन हो। जैसे मान लेते हैं, इधर मान 10 लड़के हैं, इधर भी 10 लड़के हैं, उधर 3 लोग का नाम मोहन है, इधर भी 3 लोग का नाम मोहन है ना। तो दोनों में कक्का लोग मिल रहे हैं, 3-3 लोग मिल रहे हैं, इधर 4 लोग मोहन नाम के, उधर 3 लोग हैं, तो कॉमन दोनों में कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, ठीक है। तो उसी को सर्वनिष्ठ बोलते हैं, आगे मिलेगा, है ना। तो समुच्चय के समुच्चय के सभी अवयव में एक सर्वनिष्ठ गुणधर्म होता है, जो समुच्चय से बाहर के किसी और भी अवयव में नहीं होता है। एग्जाम्पल जैसे मान लिया जाए कि समुच्चय AEIOU, ये देखने से आपको क्या लग रहा है बाबू, कि अंग्रेजी और माला का स्वर है, कि सभी अवयव में एक सर्वनिष्ठ गुणधर्म है, और इनमें से प्रत्येक अवयव अंग्रेजी और माला का एक स्वर है, और इस गुणधर्म वाला और कोई अक्षर नहीं है। देखिए, समुच्चय निर्माण रूप में क्या होता है बाबू, कि कोई भी अक्षर रहेगा, उसके अलावा कोई दूसरा रहेगा नहीं, उसके बाद कोई उसका गुणधर्म नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको लिखा जाएगा, याद रखिएगा, एक मेन पॉइंट ध्यान देना है कि ए आप लोग का रोस्टर रूप दिया हुआ है, कौन रूप दिया हुआ है, और रोस्टर रूप को समुच्चय निर्माण रूप में पूछेगा, या समुच्चय निर्माण रूप को रोस्टर रूप में लिखेगा, दोनों आपका क्वेश्चन देते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो रोस्टर रूप कैसे समझ गए हैं कि कॉमा दे देता है, इसी का दो नाम है, रोस्टर रूप बोलिए या सारणीबद्ध रूप बोलिए, बात एक ही है। तो रोस्टर रूप में क्या होते हैं, किसी भी समुच्चय के अवयव को मंझोला कोष्ठक के अंदर कॉमा दे देकर लिखते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो चीजें आपको दिया हुआ रहेगा, उन चीजों को अच्छा तरीका से हमको क्या करना है, बताना है, ठीक है। और लिखने का तरीका यही है कि कोई भी अंग्रेजी और माला के कोई भी अक्षर यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन बड़ा लिखेगा, है ना। तो एक सच दैट एक्स, एक बात हमेशा लिखना होगा, इसके जगह पर या तो वाई लिखिए, नहीं तो जेड लिखिए, या वाई सच दैट वाई बोल सकते हैं, जेड सच दैट जेड भी बोल सकते हैं, मतलब किसी भी अक्षर को आप यहाँ प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन छोटा ही अक्षर का प्रयोग करना, यहाँ मंझोला कोष्ठक के अंदर छोटा अक्षर, बाहर बड़ा अक्षर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि कोई भी अगर समुच्चय निर्माण रूप में किसी भी को लिखना होता है, तो ये दो अक्षर, पहले दो लेटर का प्रयोग करेंगे, एक सच दैट एक्स। अब देखिएगा ये क्या है, तो आपको देखने में क्या दिखाई दे रहा है, तो स्वर है, तो वही लिखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला का क्या है, स्वर है। एक और ध्यान रखिएगा, घबराइएगा मत बाबू, दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे मान लेते हम बोल दिए दो, मान लेते हम दे दिए x बराबर यहाँ 2, 4, 6, 8 डॉट, तो आप इसको बारे में क्या बोल सकते हैं, आपको देखने में क्या लग रहा है, आपको क्या ये है, चीजें क्या, जैसे मान लेते हम लोग एक क्या है, तो आप क्या बोलिएगा, मार्कर। तो क्या लिखिएगा, एक सच दैट x एक मार्कर है, एक सच दैट x एक मार्कर है, क्या है बाबू, एक मार्कर है, ठीक है। दो होगा तो दो मार्कर नहीं लिखेंगे, एक किसी भी वर्ड को सेटेबल करेगा, यहाँ एक लिखा हुआ रहेगा, तो एक का मतलब एक मत समझिएगा, वो सेंटेंस को पूरा करेगा। तो यहाँ क्या लिख रहा है, सम संख्या, और भी सम संख्या जो है लगातार है, दो दो के बाद सम चार आता है, चार के बाद छह, छह के बाद, तो इसको लिखेंगे, ध्यान रखिएगा बाबू, एक सच दैट एक्स एक
सम प्राकृत संख्या है, एक सम प्राकृत संख्या है, यही हो गया रोस्टर रूप में। तो रोस्टर का मतलब समझे क्या होता है बाबू? रोस्टर का मतलब यही होता है कि जो आपके आंखों से दिखाई देगा उन चीजों को यहाँ पर ऐसे कर कर लिख देना है। ये आपके आंखों से क्या दिखाई दे रहा है कि हमारा सम संख्या है और लिखे रहे एक सदत एक, एक का मतलब एगो मत समझिएगा, एक सेंटेंस को पूरा कर रहा है, हाँ, एक का मतलब एक नहीं है, सेंटेंस को सेटेबल कर रहा है। एक सदत एक, एक सम संख्या है। अब बात रहा कि सर खाली सम संख्या नहीं लिख सकते थे, प्राकृत क्यों लिखे? हाँ, प्राकृत इसलिए लिखे हैं कि सम संख्या के साथ साथ लगातार भी दो के बाद क्या होता है चार, चार के बाद सम क्या होता है छह, छह के बाद क्या आठ, आठ के बाद क्या होता है नौ, इसीलिए इसको बोला गया कि सम तो है लेकिन ये लगातार है, इसे लगातार जो संख्या रहता है उसको प्राकृत बोलते हैं। तो एक सच दैट एक, एक सम है लेकिन कौन संख्या? सम प्राकृत है, प्राकृत नहीं है, सम प्राकृत है। अगर खाली प्राकृत बोलता तो एक दो तीन चार पांच हो जाता, लेकिन यहां सम बोला है तो सम प्राकृत बोला है, तो सम प्राकृत संख्या, ये ध्यान देना। एक और एग्जांपल से आप लोग समझ सकते हैं, जैसा हम आप लोगों को बोल दें ये दे दिए वाई बराबर, मान लेते दे दिए तीन छ नौ बारह पंद्रह दो, एक क्या है बाबू आपकी आंखों से क्या दिखाई दे रहा है? तीन तीन दुनी छिकना तीन छह बारह तीन पांच पंद्रह, ये तीन का टेबल है ना बाबू, तीन के टेबल पढ़ा नहीं लिख गुणज लिखेंगे, ये तीन का क्या है गुणज है ना, तो क्या लिखेंगे y इक्वल एक सदत x, एक तीन का गुणज है, एक तीन का गुणज है, तीन का क्या है बाबू गुणज है, बस यही हम लोग का समुच्चय निर्माण रूप हुआ। ये रोस्टर रूप है समुच्चय निर्माण रूप हुआ, ये रोस्टर रूप है समुच्चय निर्माण रूप हुआ, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन रोस्टर रूप में देगा तो समुच्चय निर्माण रूप में पूछेगा, या समुच्चय निर्माण रूप में देगा तो रोस्टर रूप में पूछेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा बाबू कि रोस्टर रूप में कहा जाए, फिर समझिएगा कि किसी भी समुच्चय के अवयव को रोस्टर रूप में लिखने का मेन रीजन यही होता है कि एक मंझोला कोष्टक देते हैं और उस मंझोला कोष्टक के अंदर कॉमा दे देकर लिखते हैं, ठीक है। और समुच्चय निर्माण रूप में लिखने का अच्छा नियम क्या होता है कि किसी भी अंग्रेजी में माला के अक्षर दो लेते हैं, एक से लीजिए वाई लीजिए ए लीजिए जेड लीजिए जो लेना है ले सकते हैं, और दोनों को लिखकर और जो आपके आंखों से दिखाई देगा वही हम क्या करेंगे लिखेंगे, ठीक है। जैसे हम आपको बोल दिए है ना कि एक क्या है, अगर बोलेंगे कि एक क्या है तब क्या बोलिए ग्लास है, क्या है ग्लास, अगर आपके आंखों से क्या दिखाई दे रहे हैं ग्लास है तो वही लिखिएगा कि एक सच दैट एक्स एक ग्लास है, क्या बोलिएगा। समुच्चय निर्माण का मतलब यही होता है कि जो आपके आंखों से दिखाई दे देगा उन चीजों को ऐसे लिख देना, वही हमारा समुच्चय निर्माण रूप हुआ, ठीक है। एक बार एग्जांपल आप लोगों को दे रहे हैं, जैसे मान लेते हैं कि एक क्या है तो बोलिएगा इंक का डाबा है, है ना, तो एक सर दैट एक्स एक इंक का डाबा है। एक मतलब एगो मत समझिएगा, एक का मतलब ये होता है कि सेंटेंस को पूरा कर रहा है, क्लियर है। आई होप समझ गए होंगे कि समुच्चय निर्माण रूप हमारा क्या होता है, तो समुच्चय निर्माण रूप में हम लोग ऐसे ही हल करेंगे, ओके। तो चलते हैं आज हम लोग अपना विषय वस्तु की ओर, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा बाबू, चलिए देखिएगा क्वेश्चन हम आप लोग को बताने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर हम चार बताएंगे, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर हम क्या बताएंगे बाबू, चार। देखिए बाबू चार क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, निम्नलिखित को समुच्चय निर्माण रूप में लिखे, समुच्चय निर्माण रूप में लिखे, समुच्चय निर्माण रूप में लिखे या व्यक्त कीजिए बाकी की है। तो पहला इसमें का क्वेश्चन है बाबू, तीन छ नौ बारह, ठीक है।
दूसरा क्वेश्चन आपका रहेगा 2, 4, 8, 6 2, 4, 8, 16, 32 तीसरा हमारा क्वेश्चन रहेगा यहां 5, 25, 125, 625 चलिए इतना पहले समझ लिया जाए। देखिए बाबू, जब इसका हम लोग आंसर लिखेंगे, क्या लिखेंगे आंसर, ठीक है बाबू, तो आप बताइएगा आपके आंखों से क्या दिखाई दे रहा है बताइए, तो क्या लिखेगा, 3, 6, 9, 12 गुणज है किसका, 3 का, तो लिखेगा एक सच दैट एक्स एट 3 का गुणज है, 3 का गुणज है। आप ए भी लिखिएगा तो गलत नहीं है, लेकिन किताब में आपको ऐसे नहीं दिया हुआ है, जब किताब पलटिएगा तो इसका आंसर कुछ अलग तरीका से दिया है, तो उस अलग तरीका से आप ये भी एग्जाम में लिख दीजिएगा बाबू, तो आपको गलत नहीं मनाएगा, लेकिन फिर भी अगर क्वेश्चन जो दिया हुआ है जैसा आंसर किताब के हिसाब से दिया है वैसा आपको लाने सिखा रहे, ठीक है, तो थोड़ा सा समझिएगा कि इसको बोलेंगे असमिका, क्या बोलते हैं असमिका, ठीक है, असमिका का चार चिन्ह होता है, इसका मतलब होता है से कम, ऐसा चिन्ह रहेगा से अधिक, ऐसा चिन्ह रहेगा से कम या बराबर, और ऐसा रहेगा से अधिक या बराबर, इस चिन्ह को असमिका बोलते हैं, क्या बोलते हैं, असमिका के कितने चिन्ह होते हैं, 4, और एक आप लोग पढ़े होंगे समीकरण, तो समीकरण में क्या होता है, ए चिन्ह का होता है, जहां भी समीकरण लिखते हैं तो समीकरण में हम लोग ए चिन्ह का प्रयोग करते हैं, और असमिका रहेगा ए चिन्ह का, देखिए ऐसा चिन्ह रहेगा से कम बोलेंगे, ऐसा चिन्ह रहेगा से अधिक बोलेंगे, ऐसा चिन्ह रहेगा से कम या बराबर बोलेंगे, ऐसा चिन्ह रहेगा से अधिक या बराबर बोलेंगे, ओके, ये समीकरण है और असमिका है, असमिका में चार चीज मान लेते हैं कि एक्स चिन्ह ए वाला है, देख लीजिए तो क्या बोला है, एक्स से अधिक, तो एक्स का मान 3 से अधिक, तो एक्स का मान 3 से अधिक क्या होगा, 4, 5, 6, 7 क्लियर है, अगर ऐसा हम लिख दे बाबू इसका मतलब क्या समझिएगा, क्या समझना चाहते हैं, इसका मतलब एक्स का मान से कम, मतलब किससे कम, 5 से कम, तो एक्स का मान 5 से कम क्या होगा बाबू, तो 5 से कम क्या होगा, 5 से कम 4, 3, 2, 1, 0 डॉलर, अगर हम ऐसे लिख दे बाबू ऐसे, इसका मतलब आप लोग क्या समझते हैं, एक्स का मान 6 से कम या बराबर, 6 से कम या बराबर, तो 6 से कम 1, 6 से कम तो क्या हो जाएगा, 6 से कम या बराबर, तो 6 से कम 6 भी कम भी रहेगा बराबर भी रहेगा, 6, 5, 4, 3, 2, 1 डॉलर ऐसे रहेगा, ठीक है, और ऐसा रहेगा तो इसका मतलब क्या समझ रहे हैं, एक्स का मान 2 से बड़ा या बराबर, तो एक्स का मान 2 से बड़ा या बराबर बोल रहे हैं, तो इसीलिए 2, 3, 4, 5 तो ध्यान दीजिएगा बाबू कि इन सभी चिन्हों को आपको ध्यान देना होगा, ठीक है, लेकिन देखिएगा ऐसा चिन्ह रहेगा तो उसको से कम बोलेंगे, ऐसा चिन्ह रहेगा से अधिक बोलेंगे, ऐसा चिन्ह रहेगा से कम या बराबर बोलेंगे, ऐसा चिन्ह रहेगा से अधिक या बराबर बोलेंगे, ओके, कंसेप्ट को क्लियर समझिएगा, कंसेप्ट समझिएगा तो आपको किताब वाला आंसर लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है, ये असमिका बोलते हैं समीकरण बोलते हैं, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये आपका किताबी लैंग्वेज हो गया, लेकिन एक बात अपना लैंग्वेज बता रही जो आप लोगों को कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है, एक बार ध्यान दीजिए बाबू कि अभी आप लोग 1 से 10 क्लास तक जो भी आप लोग मैथ पढ़ते आए हैं, कहीं आप लोग देखे होंगे कि 5 बराबर 50 आंसर आया है, 2 बराबर 10 आंसर आया है, 3 बराबर 15 आंसर आया है, एक कभी ऐसा देखे हैं क्या बाबू लोग, नहीं देखे होंगे, आप लोग क्या देखे होंगे, एक्स बराबर 2 आया होगा, y बराबर 5 आया होगा, a बराबर 1 आया होगा, z बराबर 2 आया होगा,
आने कोई भी वैल्यू आता है तो अंग्रेजी और माला का जो अक्षर होता है उसी के बराबर हमारा कोई वैल्यू आता है। आता है कि नहीं, कहीं तो ये नहीं ना देखे होंगे कि 50 = 20 आ गया आंसर, 40 = 60 आंसर आ गया, 90 = 70 आंसर आ गया, ऐसा तो आप नहीं देखे होंगे। आई होप समझ रहे होंगे। तो हमारा कहना यही है, देखिए हम क्या समझाना चाह रहे हैं, थोड़ा सा गौर करिएगा। देखिए हम यहाँ लिखते रहे नोट में, आप लोग अपना भाषा में, अगर अष्टमिका का चीन एक तरफ खुला हो तो मान 12 होता है और अंग तरफ खुला हो तो छोटा होता है। ये अपना भाषा में बता दिए, अब ये चीन का आपको जरूरत ही नहीं है याद करना, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा बाबू, चीन का आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ओके, तो हम क्या बोले हैं बाबू कि अगर अष्टमिका का चिन्ह एक तरफ, एक्स के जगह पर कुछ भी हो सकता है, यानी अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर लिख सकते हैं ए बी सी डी जो भी अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला, ठीक है। तो अगर खुला रहेगा तो मान बड़ा होता है और अंग तरफ खुला हो तो उसका मान का आकार छोटा होता है, ठीक है, समझिए कैसे। अब ध्यान दीजिएगा, समझने वाला बात है बाबू, समझिए, इसको इरेज कर रहे हैं, देखिएगा। अगर मान लेते हैं कि हम लिख दिए ऐसा, अब मिलाइएगा बाबू, है जो अष्टमिका का जो चिन्ह जो खुला है, खुला ऐसे, ए वाला खुला कहलाता है, ए वाला बंद कहलाता है, ऐसा पर्सन आएगा ए वाला बंद कहलाएगा, ए वाला खुला कहलाएगा, ठीक है। तो हम क्या लिखवा है कि अगर अष्टमिका का चिन्ह, अगर अष्टमिका का चिन्ह अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर तरफ खुला हो तो मान बड़ा होता है, आप ही बताइए बाबू, और अंग तरफ खुला हो तो छोटा होता है। तो ये बताइए कि जो अष्टमिका का जो चिन्ह खुला है किसके तरफ खुला है, 10, तो 10 हमारा क्या है, अंक होगा नहीं तो संख्या होगा, तो अंक या संख्या तरफ खुला रहेगा तो हमारा मान क्या होगा, छोटा होगा। तो किसका मान छोटा होगा, एक्स का मान छोटा होगा, तो देखिए तो एक्स का मान छोटा है किससे, 10 से, तो 10 से छोटा 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 डॉट जा लेकर जाना, ठीक है। अगला पॉइंट बोले हैं कि अगर अष्टमिका का चिन्ह एक्स तरफ खुला, एक्स का मतलब एक्स जब पर ए बी सी डी अंग्रेजी वर्णमाला की कोई भी अक्षर हो सकता है, अगर उसके तरफ खुला हो तो उसका मान खुद बड़ा होगा। तो मुंह किसके तरफ खुला है, एक्स तरफ खुला है ना बाबू, या अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर तरफ खुला है ना, जिसका मान बड़ा होगा किससे, 5 से, तो 5 से बड़ा 6, 7, 8, 9, 10 जो लेना लिख सकते हैं। तो आई होप समझ गए होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो एक बात हमारे पॉइंट को ध्यान में रखना आज आप लोगों को बाबू लोग, कि यदि अष्टमिका का चिन्ह अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर तरफ खुला हो तो उसका मान बड़ा होता है, और अगर अंग तरफ खुला हो या संख्या तरफ खुला हो तो उसका मान क्या होता है, छोटा होता है। आई होप समझ गए होंगे कंसेप्ट को। तो समझिएगा कि जो हम इस बात को लिखे हैं, आप ये भी लिखिएगा तो गलत नहीं होगा, लेकिन ये भी लिखिएगा तो गलत नहीं होगा। देखिएगा, एक सच दैट एक्स, ठीक है, इक्वल, लिखिएगा शुरू वाला हमारा अंक क्या है बाबू, 3 है, तो हम 3 को ही लेंगे जो शुरू वाला अंक होगा, 3 है। अच्छा, 3 में क्या करने पर आ रहा है, गुना करने पर, 3 में अगर 1 का गुना करेंगे 3 आ जाएगा, 3 में 2 का गुना करेंगे 6 आ जाएगा, 3 में 3 का गुना करेंगे 9 आ जाएगा, 3 में 4 का गुना करेंगे कितना होगा, 12 होगा। तो हम इसको 3n लिख सकते हैं, x such that x equal 3n, n m x जो भी लिख सकते हैं, लेकिन n यूज करेंगे, कॉमा, हो गया, क्लियर है। अच्छा, अब ध्यान देना है बाबू कि n की जगह पर हम क्या रख रहे हैं, n की जगह पर अगर 1 रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं, 3 रख रहे हैं, और क्या रख रहे हैं, 4 रख रहे हैं, n रख रहे हैं बाबू, n के जगह पर अगर 1 रखेंगे तो 3 ने कम 3 हो, n के जगह पर 2 रखेंगे तो 3 दूनी 6, n के जगह पर 3 रखेंगे तो 3 के 9, n के जगह पर 4 रखेंगे तो 3 चौके क्या बन जाएगा, 12 हो जाएगा।
आई होप समझ रहे होंगे बाबू, ध्यान दीजिएगा अच्छा से। अब देखिएगा, आप ही बताइए बाबू कि जो मान हम रख रहे हैं छोटा एन का वैल्यू, एक ऐसा संख्या हमारा प्राकृत संख्या है ना, कैन संख्या प्राकृत, तो इसको हम ऐसे देखा ना होगा एन एलिमेंट, एन एन एलिमेंट। आप लोग बता रहे कि एलिमेंट का मतलब क्या होता है समझिएगा बी लोग, मतलब छोटा एन है ना बड़ा एन में शामिल है। और याद रखिएगा जब एक प्राकृत संख्या है, तब प्राकृत संख्या जब होता है तो आप लोग शुरू में बताए होंगे कि प्राकृत संख्या को हम बड़ा एन से सूचित करते हैं, तो यही लिखेंगे एंड, यहाँ लिखिएगा एंड। और क्या लिखिएगा समझिएगा कि कौ वैल्यू है बाबू, चार गो है ना, तो इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं एन का जो वैल्यू होगा, देखिएगा ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा कैसे समझना होगा है ना। एक बार ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, इतना तो समझिए। अगर मान लीजिए अगर ऐसे रहेगा बाबू, ध्यान रखिएगा ऐसे, तो इसका मतलब क्या समझना चाह रहे हैं, ये मुंह किसके तरफ खुला है, x तरफ खुला है, तो x का मान इससे बड़ा होगा, और यहाँ आठ लीजिए, और ये मुंह किसके तरफ खुला, आठ के तरफ खुला है, तो x का मान इससे क्या होगा, छोटा होगा, जिसके कारण कि x का मान पांच से बड़ा और आठ से छोटा, तो क्या होगा x का मान छह और क्या बन जाएगा सात बन जाएगा, अगर ऐसा रहेगा तो इसको हम इसी फॉर्म में हम क्या करेंगे दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। अच्छा एक और बार ध्यान दीजिएगा, जब इसी का बात है तो इसका बोला है कि एन का मान एक, तो एक से बड़ा और चार से अगर ऐसे लिखेंगे बाबू, ध्यान दीजिए अगर ऐसे लिखते हैं तो हमारा ये गलत होगा, क्यों, अगर हम उसको ऐसे लिखेंगे ऐसे बाबू, ध्यान दीजिएगा, तो एन का वैल्यू हमारा क्या होगा, एक से बड़ा होगा चार से छोटा होगा, तो ए दो तीन आएगा बाबू, दो ये तीन आएगा, लेकिन हम इसको ऐसे दिखाएंगे, समझे का है, दोनों चिन्ह इसलिए दिखा रहे हैं कि इस चिन्ह का मतलब होता है कि एन का मान एक से बड़ा भी होगा और बराबर भी होगा। तो जब ये चिन्ह प्रयोग करेंगे बाबू तो एन का मान एक से बड़ा या बराबर, तो एक से बड़ा भी और बराबर भी, तो दो तीन चार से छोटा या बराबर भी चार, तो इसीलिए हम इस पॉइंट को ऐसे दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ही बोला गया है कि एक साइड एट एक्स इक्वल थ्री एन, एन बिलोंग टू एन, एंड एन का मान वन से छोटा या बराबर, वन से बड़ा या बराबर, और एन का मान चार से छोटा या बराबर होगा, तो इसका किताबी आंसर हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको भी लिखा जाए, समझिएगा समझिए घबरा नहीं है, इसका आंसर देख लीजिएगा बाबू, इसका है कि x दैट x यहाँ 2n 2 है, 2 केवल यह शुरू में हमारा रहेगा। अब आप ही दिमाग लगाइए बाबू कि यहाँ 2 में अगर n का मान कि n का मान देखिए समझिए, आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ n का मान कब रखे हैं 4 को, यहाँ n का मान कब रखेंगे 5 को, 1 2 3 4 काहे पांच है, दो एक दो तीन चार पांच गो है। चलिए अब आप ही बताइए बाबू कि अगर यहाँ 2n कर देते हैं तो आप ही बताइए कि जब n का मान अगर एक रखेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा, n का मान 2 रखेंगे 4 आ जाएगा, n का मान 3 रखेंगे 6 आएगा, लेकिन हमारा है क्या 8 है, n का मान अगर 4 रखेंगे 8 आएगा, जो हमारा चाहिए वो नहीं ना आ रहा है, इसलिए हम इसको जब गुणा में नहीं होगा तो इसको पावर बनाकर देखेंगे, ठीक है। अब पावर बनाकर देख लीजिएगा बाबू, अगर n देखिएगा, अगर n का पावर 1 रखते हैं तो 2 का पावर हमारा 1 आएगा बराबर 2, अगर n के पावर 2 रखते हैं तो 2 दूनी 4, n का पावर 3 रखते हैं तो 8, n का पावर 4 रखते हैं तो 16, n का पावर 5 रखते हैं तो 32 आ जाएगा ना बाबू, तो आपको यहीं पर थोड़ा मैचिंग कराना होगा, हमारा पावर में रहेगा कि गुणा में रहेगा, क्लियर है। चलिए फिर वही बात है कि n का वैल्यू 1 2 3 4 5 ये प्राकृत संख्या है तो लिखेंगे n बिलोंग्स टू बड़ा n, क्लियर है। चलिए यहाँ लिखने का तरीका सेम टू सेम ऐसे ही, एंड देखिएगा n का मान 1 से 5 तक है ना बाबू, तो लिखेंगे 1 से बड़ा या बराबर n का मान और 5 से छोटा या बराबर, बस आपका आंसर यही हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्लियर है। तो यही किताबी भाषा में हुआ समुच्चय निर्माण, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं और नहीं तो लैंग्वेज में लिख सकते हैं, लेकिन लैंग्वेज वाला आपका उतना सेटेबल काम नहीं करेगा, काम करेगा ऐसा नहीं गलत होगा, लेकिन आपको आंसर मिलाइएगा तो नहीं मिल पाएगा, ओके, इसलिए दोनों आप जान लीजिए। चलिए आगे देखिएगा, अब इसको इरेज कर रहे हैं, देखिएगा यहाँ
अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बाबू, इसका एक आंसर इसका देखिए, एक्स साइड एक्स क्लियर है इक्वल, शुरू में क्या है पांच है। अब बताइए पांच का हम लिख दिए, लेकिन पांच पर इन पार में रखेंगे गुना में रखेंगे, तो देख लीजिए पार बनाने पर आएगा, क्लियर है एन एलिमेंट एन, यहाँ को वैल्यू है चार गो है एक दो तीन चार, इसीलिए हमारा यहाँ का हो जाएगा एंड एन का मान जो होगा वन से बड़ा या बराबर और चार से छोटा या का बन जाएगा बराबर, तो यही हम लोग का हो गया आंसर हो गया। आई होप समझ रहे होंगे लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर हम क्या दे रहे हैं बाबू, चार। क्वेश्चन नंबर कौन सा है इसी का, चौथा क्वेश्चन, ठीक है। देखिए चौथा क्वेश्चन बोल रहा है इसमें, दो चार छह डॉ देखिएगा बाबू इसका आंसर, तो ध्यान रखिएगा बाबू, समझिएगा, समझिए यहाँ पर ए आप लोग को देखने में क्या लग रहा है, दो चार छह ये सम संख्या है ना बाबू, लेकिन आप ही बताइए कि इसका लिमिट है कौ है, कौ गो है यहाँ लिमिट है, इनका लिमिट था कौ गो है चार गो है, इनका लिमिट था कौ गो पांच गो, इसमें चार गो, इसका कोई लिमिट है, डॉट डॉट का मतलब अनगिनत हो जाएगा, इसलिए जब डॉट डॉट रहेगा तो इसको हम ऐसे नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि जो यहाँ लिखेंगे यहाँ लिमिट होना चाहिए, लेकिन यहाँ लिमिट नहीं है, इसलिए इसको लिखेंगे लैंग्वेज में एक सजेट एक्स एक क्या है सम है ना, सम कैसा सम भी है और प्राकृत संख्या भी, सम प्राकृत संख्या है। तो ध्यान रखिएगा कि जिसका नंबर इसमें फिक्स रहेगा उसको हम ऐसे लिखेंगे और जिसका नंबर फिक्स नहीं रहेगा इसको हम ऐसे रखेंगे, देख लीजिएगा ठीक है। क्वेश्चन नंबर फाइव ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर फाइव बोल रहा है, समझिए बाबू फाइव इसने बोला है एक चार नौ डॉट क्या है बाबू सौ। देखिए बाबू इसमें लिमिट है क्योंकि एक से कहां है सौ तक है, इसमें लिमिट कर दिया, लेकिन यहां बोला था दूर से कहां तक वो लिमिट नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे जिसमें लिमिट होगा उसको ऐसे लिखेंगे समुच्चय निर्माण रूप में, और जिसमें लिमिट नहीं रहेगा अगर यही अगर ऐसे हो जाता तो लिमिट इसका नहीं है, लेकिन यहां रोक दिया यहां लिमिट हो गया सौ तक, ठीक है। तो अब आप ही बताइए बाबू कि इसको जब लिखेंगे तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक सजेट एक्स आपको यहां समझना होगा कि यहां एक उसके बाद चार उसके बाद नौ, हम जाने कि एन का वैल्यू कितना रखना है वन टू थ्री फोर, अब कहां तक है वो हमको नहीं मालूम, लेकिन चेक किया जाए आप बताइए कि वैल्यू कैसे आया होगा, एक चार नौ आपको देखने से लग रहा है कि सबका स्क्वायर है, एक का स्क्वायर एक, दो का स्क्वायर एक का स्क्वायर एक, दो का स्क्वायर चार, तीन का स्क्वायर नौ, चार का स्क्वायर सोलह, पांच का स्क्वायर पच्चीस, छ का स्क्वायर छत्तीस, सात का स्क्वायर उनचास, आठ का स्क्वायर चौसठ, नौ का स्क्वायर इक्यासी और दस का स्क्वायर सौ। आ गया ना, इसको हम क्या लिखेंगे एन का स्क्वायर, एन का स्क्वायर, क्योंकि एन का माने देखे तो सब आ जाएगा। चलिए एन बिलोंग टू एन एंड यहाँ लिख रहे हैं कितना तक है बाबू, ये कितना तक यहाँ एन का रखेंगे सौ आएगा दस तक ना, यहाँ लिखेंगे वन। आई होप समझ गए होंगे कि समुच्चय निर्माण रूप होता क्या है, तो आप ही बताइएगा बाबू लोग कि समुच्चय निर्माण रूप में अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो बोलिएगा बाबू, ठीक है। तो समुच्चय निर्माण रूप हम लोग इस तरह से लिखते हैं, एक बार ध्यान रखिएगा कि जिसमें अगर लिमिट नहीं रहेगा उसको हम लैंग्वेज में लिख देंगे और जिसमें लिमिट नहीं रहेगा लिमिट रहेगा उसको ऐसे लिखेंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा कि या तो गुणा कर कर आएगा, नहीं तो पार बना कर आएगा, नहीं तो ऐसे कर, कोई ना तो कोई नियम से आपको कहा होगा आएगा। ये चार गो है इसीलिए चार लास्ट में है, ये पांच गो है इसलिए पांच है, ये चार गो है चार है, और ये दस तक आया था तो ये दस लास्ट में, ठीक है ना। चलिए आई होप समझ गए होंगे, तो क्वेश्चन नंबर क्या हो गया चार हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम बात कर रहे हैं पांच का, पांच क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोग का पांच है, निम्नलिखित समुच्चय को
निम्नलिखित समुच्चय को निम्नलिखित समुच्चय के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। देखिए सूचीबद्ध बोलिए या रोस्टर बोलिए या सारणीबद्ध बोलिए, इसका तीन नाम है। क्लियर है? तो बोला है निम्नलिखित समुच्चय के सभी अवयव को सूचीबद्ध मतलब सारणीबद्ध मतलब रोस्टर रूप में लिखना। तो रोस्टर रूप का मतलब आप समझ ही रहे हैं क्या करना होगा। इसका पहला क्वेश्चन हम आप लोगों को दे रहे हैं, ए इक्वल दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स एक, बी सम प्राकृत संख्या है, विषम प्राकृत संख्या है। तो इसका रोस्टर रूप में कैसे लिखेगा बाबू? रोस्टर रूप में कोमा दे देकर विषम है लेकिन प्राकृत है। तो पहला एक तीन पांच सात नौ ग्यारह लिमिट नहीं ना बोला है इसलिए डॉलर। क्लियर है? बी ये पहला हो गया इसका, ये दूसरा बी इक्वल दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है, माइनस वन बाई टू और नाइन बाई टू। देखिए बाबू इसको भी रोस्टर रूप में लिखना है, एक साइड यहां रोस्टर रूप में ना देखिएगा। तो यहां बोला है थोड़ा समझने वाला बात है माइनस, आप लोग क्या बता है कि अगर अस्मिता का चिन्ह इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.5 और समझ इसको 4 का है 5 ऐसे लिख सकते हैं। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? तो पूर्णांक संख्या वैसी संख्या होती है जिसमें आधा भाग माइनस और आधा भाग क्या लेते हैं प्लस लेते हैं, ये नहीं लेते हैं बाबू, माइनस और प्लस दोनों संख्या शामिल हो। ठीक है, अपना समझने के लिए 1/2 को 0.5 और एक। ठीक है, तो बोला गया है आप लोग बताएं असमिका वाले में पीछे कि अगर ये चिन्ह अगर x तरफ खुला रहेगा तो बड़ा हो जाएगा, तो x का मान इसे बड़ा होगा और ये अंत तरफ खुला है तो इसे छोटा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि x का मान माइनस 0.5 से बड़ा क्या होगा, तो माइनस 0.5 से बड़ा 0 होगा, फिर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 4.5 से छोटा क्या होगा 4 होगा। अब बात रहा कि सर 4.5 से छोटा, या एक और बात कि सर माइनस 0.5 से बड़ा माइनस 0.4 माइनस 0.3 माइनस 0.2 भी तो हो सकता है। हाँ होगा बाबू, लेकिन आप ही बताइए बाबू कि जो हमारा पूर्णांक संख्या होता है वो कभी दशमलव में होता है नहीं ना होता है? होता है क्या बाबू? नहीं ना होता है। तो कभी भी जो पूर्णांक संख्या जो हमारा होगा वो दशमलव में नहीं होता है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे यही होगा। तो माइनस 0.5 से बड़ा जो होगा 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 4.5 से छोटा हमारा क्या होगा 4 होगा। हाँ 4.5 से छोटा 4.4 4.3 4.2 4.1 भी होगा, लेकिन यह हमारा पूर्णांक संख्या नहीं है क्योंकि पूर्णांक संख्या जो होना चाहिए ऐसा रहना चाहिए। आई होप समझ गए होंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर क्या है बाबू, थर्ड बोला है ना, सी एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है एक्स ए स्क्वायर। आप लोग जानते हैं कि एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स का मान क्या होगा 4 से छोटा और बराबर होगा। ठीक है, तो इसको पहले सोल्व कर लिया जाएगा, सोल्व करेंगे इसको, वैल्यू को निकालेंगे तो एक्स ए स्क्वायर ऐसे 4 हो जाएगा, तो एक्स रूट 4 हो जाएगा प्लस माइनस ध्यान दे एक्स। ठीक है,
ठीक है। इसको जब लिखेंगे यहाँ पर सी में तो देखिएगा एक्स का मान एगो हो जाएगा माइनस दो से छोटा एगो दो से ऐसे। तो इसका क्या कहना है, ध्यान रखिएगा कि एक्स का मान हम लिखेंगे तो माइनस दो ऐसे दिया है, दोनों चीजें है ना, तो माइनस दो से छोटा या तो माइनस दो माइनस एक जीरो एक और का होगा दो, समझे कहाँ लिखे हैं, क्योंकि माइनस दो और प्लस टू है बराबर का चिन्ह दिया है, बराबर बोलते हैं छोटा या बराबर बोलते हैं, इसीलिए माइनस दो माइनस एक जीरो और का होगा एक दो होगा, ठीक है। चौथा क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा बाबू, चौथा क्वेश्चन बोला है डी में एक सजेट एक्स एल ओ वाई ए लोयल एल ओ वाई ए लोयल शब्द का एक अक्षर है, लोयल शब्द का एक अक्षर है। तो बताए थे कि जब भी ऐसा वो देगा तो जो दोबारा लिखा रहे हैं उसको एक ही बार लिखेंगे, तो एल एक ही है, वो भी एक ही है, वाई एक ही है, ए एक ही है, लेकिन ए वाला बिल्कुल नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा रोस्टर रूप हुआ, कौन रूप हुआ बाबू, तो रोस्टर रूप आप लिखने जाएंगे कि रोस्टर रूप में कैसे लिखा जाता है, समझ रहे हैं। चलिए इस क्वेश्चन को आप इरेज करें, मिटा रहे हैं, ठीक है बाबू। अगला है ई पांचवा क्वेश्चन, ई एक साइड एक्स वर्ष का एक ऐसा महीना, वर्ष का एक ऐसा महीना महीना है जिसमें 31 दिन जिसमें 31 दिन होते हैं। आप ही बताइए बाबू वर्ष का वह कौन ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन होते हैं, 31 दिन होते 31 दिन नहीं होते 31 दिन नहीं होते हैं उसको लिखना है। तो समझिएगा बाबू, आप लोग एक कंडीशन बता रहे हैं, देखिएगा आप लोग क्या करिएगा, दाहिना हाथ को उठाइएगा ऐसे, जो ऊंच वाला होगा ना वो 31 बोलते हैं, जो खाल वाला होगा वो क्या होगा 30 28 29 का होगा। आप लोग जानते हैं कि आप लोग फरवरी ही होता है जो 28 या 29 का होता है, लेकिन बाकी 30 या 31 का ही रहेगा। तो जो ऊंचा वाला रहेगा ना बाबू वो क्या होगा 31 का कहलाएगा, और जो खाल वाला होगा वो क्या होगा 30 29 28 होगा। तो जनवरी 31 का है तो 31 वाला नहीं ना लेना है, एक सेलेक्ट एक वर्ष का एक ऐसा महीना जिसमें 31 दिन होगा, जनवरी नहीं होगा फरवरी, फरवरी जनवरी फरवरी मार्च नहीं होगा अप्रैल होगा, अप्रैल जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई नहीं होगा जून होगा, जुलाई ऊंचा में है नहीं होगा, अगस्त ऊंचा में है सितंबर 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 अक्टूबर नवंबर देखिएगा। तो यही हम लोग का ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं, फिर से ऊंचा वाला जो होगा 31 का होगा, तो जनवरी नहीं होगा फरवरी लेंगे, मार्च नहीं होगा अप्रैल लेंगे, मई नहीं होगा जून लेंगे, जुलाई ऊंचा पर है अगस्त ऊंचा पर है, सितंबर लेंगे अक्टूबर नहीं लेंगे नवंबर लेंगे दिसंबर नहीं लेंगे, ठीक है। चलिए और अगला है छठा जो क्वेश्चन आप लोग का इसमें दिया हुआ है, छठा क्वेश्चन जो मेरा है इसमें बोल रहा है एफ एक सेंडेड एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है, अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। देखिएगा तो सबसे पहले हम के तक लिखेंगे तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे और के, के से पहले आता है आई जे के से, एक सेकंड एक अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है,
तो समझिएगा बाबू कि हम लोग का अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर 5 गो होता है और व्यंजन कौ होता है 21 गो होता है, ठीक है। तो बोला है ना, बोला है इसमें ध्यान दीजिएगा कि एक सरट एक अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है, यानी के से पहले आने वाला व्यंजन ए है। तो आप के से पहले आने वाला सब अक्षर को तो लिख दिए हैं, लेकिन इसमें कुछ ऐसा भी होगा जो ए हमारा स्वर है इसको नहीं लिखेंगे, ई हमारा स्वर है इसको नहीं लिखेंगे, और आई हमारा स्वर है इसको नहीं लिखेंगे। बाकी को हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे बाबू, बी लिखेंगे, सी लिखेंगे, डी लिखेंगे, एफ लिखेंगे, जी लिखेंगे, एच लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, जे लिखेंगे। समझ गए होंगे। तो यही हम लोग का अंग्रेजी वर्णमाला का क्या है बाबू, अक्षर है। क्लियर है, समझ गए, ठीक है ना। बी सी डी एफ जी एच और क्या होगा, जी होगा। तो एक क्वेश्चन नंबर हम लोग का कौन हुआ, 6 हुआ। समझिए फिर से, एक सरल एक अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है, तो के से पहले आने वाला पहले लेटर लिख दिए, और उसमें देख रहे हैं कुछ स्वर भी है, तो स्वर को हटा के खाली व्यंजन लिखना है, तो व्यंजन लिख दिए। ओके, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर बात करने जा रहे हैं छठा का। क्वेश्चन नंबर किसका बात करेंगे, छठा क्वेश्चन। देखिए छठा क्वेश्चन है कि बाई ओर रोस्टर रूप, बाई और रोस्टर रूप में लिखित और दाई और समुच्चय निर्माण रूप में, समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चयों का सही मिलान कीजिए। पहला इधर दिया हुआ है यहाँ पर कि 1, 2, 3 और क्या है 6, और इधर दिया हुआ है 1 x 1 आभास संख्या है और 6 की भाजक है। दूसरा यहां दिया हुआ है 2, 3। तीसरा दिया हुआ है इधर MATHEIS और चौथा दिया है इसका 1, 3, 5, 7, 9। इसका बी है, इसका सी है और इसका डी है, ठीक है। तो बी दिया हुआ है कि एक सरट एक्स संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है, विषम प्राकृत संख्या है। सी दिया हुआ है एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है और 6 की भाजक है, और ये है एक सरल एक्स मैथमेटिक्स शब्द का
एक अक्षर है। हो गया, तो इसमें मिलान करना है, तो ए आप लोग का रोस्टर रूप में और एक क्या है समुच्चय रूप में। तो पहला देखिए एक दो तीन और क्या है छह, दो तीन ये मैथमेटिक्स, तो पहला थे ठीक फिक्स है कि इसका इसके साथ मिल जाएगा, बचेगा तीन गो, एक सजक एक से एक संख्या है और छ की भाजक है, मतलब एक सजक एक से एक संख्या होना चाहिए तो छ का क्या होना चाहिए भाजक होना चाहिए, छ का क्या होना चाहिए भाजक। एक तो मेरे बाबू थोड़ा क्वेश्चन उल्ट लग रहा है, अभाज्य संख्या एक अभाज्य लिखेगा, एक सजक एक से एक अभाज्य संख्या है और छ की भाजक है, अभाज्य संख्या होना चाहिए छ का भाजक, अभाज्य संख्या तो ए नहीं हो पाएगा एक है तो यही होगा, तो इसका इसके साथ मिला देंगे, क्लियर है। अच्छा एक सजक एक दस से कम एक विषम प्राकृत संख्या, दस से कम विषम प्राकृत संख्या हमारा ए हो जाएगा और बाकी जो बचेगा उसको मिला दीजिएगा ए हो जाएगा। तो इसको ऐसे मत मिलाइएगा, आंसर जब लिखिएगा ऐसे एग्जाम में मत मिलाइएगा, पहला का लिख लीजिएगा, पहला का किसके साथ ले लीजिएगा, पहला का लिख दीजिएगा सी, दूसरा का क्या लिख दीजिएगा, दूसरा का टैली क्या किया है ए, तो ए डालिएगा, तीसरा का क्या करिएगा, तीसरा का डालिएगा डी, और चौथा का आप लोग जान ही रहे होंगे चौथा का क्या होगा बी। तो इसी तरह से आपको मिलान करना है, ऐसे नहीं किया जाता है ठीक है, ऐसे लेकर ऐसे दिखाया जाता है ठीक है। तो इस तरह से ये हम लोग का कौन सा हो गया क्वेश्चन नंबर का हो गया बाबू छह हो गया। ओके क्वेश्चन नंबर कौन हो गया बाबू छह, तो आई होप समझ गए होंगे। तो इस चैप्टर में हम पढ़े कि समुच्चय किसे कहते हैं, समुच्चय को कैसे लिखा जाता है, समुच्चय लिखने की दो विधियां होती है, एक रोस्टर रूप होता है एक समुच्चय निर्माण रूप होता है ठीक है। रोस्टर रूप में क्या होता है कि सभी समुच्चय के अवयव को कॉमा दे देकर लिखते हैं, और समुच्चय निर्माण रूप में एक सजक एक करके लिखते हैं ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का आज एक्सरसाइज 1.1 का हो गया समाप्त हो गया ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.1.2 ठीक है, इसको पढ़ेंगे हम एक्सरसाइज 2.1.2 में। तो इसमें देखिएगा, इसमें पहला टॉपिक आपको पढ़ाएंगे रिक्त समुच्चय, कौन समुच्चय रिक्त समुच्चय, इसके बाद हम पढ़ेंगे परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय, इसके बाद पढ़ेंगे अपरिमित समुच्चय, और इसके बाद पढ़ेंगे समान समुच्चय। ये चैप्टर आप लोग का हम कल पढ़ाएंगे एक्सरसाइज 1.2। अब देखिए बाबू जितना हम लोग का 1.1 मिला, क्योंकि 1.1 जो हम लोग का जो चैप्टर है ये पहला क्लास में था, जो कम कम क्वेश्चन आप लोग को दिए, थोड़ा सा हमारे लैंग्वेज को समझिए। अब जैसे ही 1.2 1.3 आगे जाएंगे तो थोड़ा सा हम लोग कम टाइम में ये समाप्त होते जाएगा ओके। तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हम आप लोग को YouTube के माध्यम से ही पढ़ा रहे हैं, हम आपको पहचाने नहीं है, एक सामने के क्लास और एक YouTube के क्लास में अंतर है, लेकिन कोशिश करें कि इस पर भी आप लोग उसी के जैसा बताया जाए ठीक है। तो अभी तक जो नए स्टूडेंट हो गए, जो हमारे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अप टू अप आप लोगों को वीडियो मिलते रहेगा। जब तक लॉकडाउन है तब तक आपका क्लास YouTube के माध्यम से ही चलाया जाएगा ओके थैंक्स।